अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर अलजबरा क्या होता है। आज से हम लीनियर अलजबरा स्टार्ट करने वाले हैं, तो लीनियर अलजबरा की डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है। Linear algebra is the branch of mathematics that concern with the linear equations. Linear equations क्या होती हैं, हम पढ़ चुके हैं कि वो तमाम equations जिनमें variable की जो highest power 1 होती है, variable with highest power 1, variable with highest power 1. Let's suppose x एक variable है, तो 4x प्लस 3a इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। और अगर इसको मैं इक्वेशन बना दूं 4x प्लस 3 इक्वल्स y, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इसमें है जो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कंसर्न विद लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करती है। लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसकी फॉर्म क्या है जी, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन इक्वल्स बी। अब ये ए क्या है और एक्स क्या है, इनमें तमाम जो ए हैं वो कोफिशंट्स हैं और एक्स जो है वो वेरिएबल्स हैं, और बी जो है ये उन्होंने बताया है कि ये इक्वेशन जो है उस कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो बी जो है वो कॉन्स्टेंट है। लीनियर मैप्स, लीनियर इक्वेशन के बाद लीनियर मैप्स होते हैं। लीनियर मैप्स किस फॉर्म के होते हैं, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। इस इक्वेशन में हमने देखा कि एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो जब इनको किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि लीनियर मैप्स जो होते हैं उसकी फॉर्म ये होती है। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही समझे, इसको नेक्स्ट हम जो है थॉरली इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस क्या होती है जी, वेक्टर स्पेसेस वो एक एरिया होता है जिसमें जब हम वेक्टर्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं, तो उनका जो इफेक्ट होता है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करके देखते हैं कि इसका कोई इफेक्ट जो स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से या किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करने से कोई इफेक्ट है, तो हम उसको चेकआउट करते हैं, तो वो वेक्टर स्पेस कहलाती है। एंड थ्रो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं जी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, तो x जो है वो x के साथ जो कोफिशियंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा पहला नंबर आ जाएगा और y का कोफिशियंट जो है वो दूसरा नंबर आ जाएगा, तो इसकी ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको मैट्रिक्स को अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। तो जब हम इन तमाम चीजों को वेक्टर स्पेसेस और मैट्रिसेस के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा थॉरली जो प्रोसेस होता है वो हमारा लीनियर अलजबरा कहलाता है जी। इस लीनियर अलजबरा को आगे फर्दर समझने के लिए हमें चंद कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले क्लियर करना होगा, तो हम पहले उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम थॉरली लीनियर अलजबरा को डिस्कस करेंगे जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि लीनियर अलजबरा क्या होता है, लीनियर अलजबरा में हम किन किन चीजों को डिस्कस कर, किन किन जो एस्पेक्ट्स हैं उनके जरिए हम डिस्कस करते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।